नमस्कार, रसोई के चमत्कार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक अलग अंदाज में नारियल पानी के साथ गुड़ वाले चावल। तो तैयारी कर लें। मैंने यहाँ एक छोटी कटोरी चावल लिए हैं, इन्हें मैं धोकर भिगो देती हूँ। इसमें एक गिलास पानी डालकर 20 मिनट तक रख देते हैं। अब चावलों को भीगने देते हैं और बाकी सामान देख लेते हैं। इन चावलों में जो सामान डलेगा उसे देखते हैं। हमें चाहिए एक पानी वाला नारियल, इसका पानी हमें निकाल लेना है। यहाँ मैंने पहले से इस ग्लास में पानी निकाल कर रख लिया है। यह देसी घी है जो चावलों में डाला जाएगा। अब सारी सामग्री एक साथ देख लेते हैं। ये चावल हैं जो हमने भिगोए थे। यह पानी है 2.25 कटोरी, इसमें हम चावलों को उबालेंगे। और ये घी, ये नारियल का पानी है जो मैंने एक गिलास में निकाल लिया है। छोटी इलायची, ये लौंग 2, दालचीनी का टुकड़ा, नारियल के कटे हुए ये टुकड़े, ये 1 कटोरी गुड़, इसे छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ लिया है। फ्लेवर के लिए छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी हम डालेंगे। गैस ऑन कर लेते हैं। एक छोटा पैन चढ़ाकर उस पर रख देंगे और उसमें अब मैं गुड़ डाल देती हूँ और इसमें नारियल का पानी डालकर गुड़ को पिघला लेते हैं। इसे पिघलने तक ही गर्म करना है। गुड़ पिघल गया है, अब इसे उतार देते हैं। अब गैस ऑन करके एक पैन चढ़ा देते हैं। इसमें हम डालेंगे लगभग 1/2 कड़छी घी, गर्म होने देते हैं। अब इसमें डालेंगे छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और लौंग। अब मसाले फूल गए हैं, अब इसमें पानी डालकर ढक देते हैं और पानी को उबलने देते हैं। खोल कर देखते हैं, पानी तो उबल रहा है। अब हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देते हैं और इसे ढककर पकने देते हैं। गैस को मध्यम आंच पर रखेंगे, पानी सूखने देंगे। अब खोल कर देखते हैं, चावल पक गए हैं। अब हम इसमें गुड़ वाला नारियल पानी डाल देते हैं और नारियल के टुकड़े भी डाल देते हैं। इसे ढककर अब और पकने देंगे। इसका पानी सूख चुका है, गैस बंद कर देते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रखेंगे और अब गैस से उतार लेते हैं। हम इन्हें एक बॉल में निकाल लेते हैं और नारियल के बुरादे के साथ इसे गार्निश कर लेते हैं। लीजिए, तैयार है आपके नारियल पानी के गुड़ वाले चावल। गर्मा गर्म सर्व कीजिए और स्वाद लीजिए। फ्रेंड्स, ये थी हमारी नारियल पानी के गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। बनाइए और आनंद लीजिए स्वाद का। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलना। आप सबको रसोई के चमत्कार की ओर से लोहड़ी व संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।